प्रयागराज के घूरपुर इरादतगंज फ्लाईओवर के पास कार सवार व्यक्ति से बाइक सवार नकाबपोशों ने लगभग 3 लाख रुपए की छिनौती को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पर्व इंटरप्राइजेस के मालिक विपिन जायसवाल शंकरगढ़, शिवराजपुर, गौहनिया, जसरा, लालापुर आदि दुकानों से पैसा वसूल कर अपने निजी निवास मुट्ठीगंज प्रयागराज के लिए जा रहे थे। वहीं घूरपुर इरादतगंज फ्लाईओवर ब्रिज के पास पहुंचे ही थे कि सामने से पल्सर से 3 व्यक्ति नकाब लगाकर गाड़ी को ओवरटेक करके असलाह सटाकर उनसे लगभग 3 लाख रुपए की छिनौती करके फरार हो गए। मौके पर थानाध्यक्ष घूरपुर को सूचना मिलने पर तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचकर चारों तरफ से बैरियर लगाकर सभी गाड़ियों को चेकिंग करने का आदेश दिया, लेकिन फिलहाल भाग रहे बदमाशों को पकड़ने में पुलिस अभी कामयाब नहीं हो सकी है। एक व्यापारी विपिन कुमार जायसवाल जो मूल रूप से मुट्ठीगल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, पैसों का कलेक्शन करके शंकरगढ़ क्षेत्र से वापस आ रहे थे। इरादतगंज पुल के पास बदमाशों ने जो बाइक से थे ओवरटेक करके इनका थैला छीन लिया है, जिसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 2,70,000 रुपये उसमें थे, और इन्होंने एक FIR दी है, उसको दर्ज किया जा रहा है और टीमें इसमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का निवारण किया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।